सर ऐसे क्या देख रहे हैं? दीवान जी, आपको देखकर ना एक गाना याद आ रहा है, खो ना जाए ये कहीं तारे जमीन पर। दीवान जी मतलब जरूरत क्या थी अपने पड़ोसियों को अपनी कम। सर पड़ोसी नहीं, दुश्मन पड़ोसी। दीवान जी दुश्मन क्यों, हम सब एक ही थाने में काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, ये थाना हासिल करने के लिए प्रतियोगी हुए, प्रतियोगी दुश्मन नहीं दीवान जी। अच्छा एक बात बताइए, जरूरत क्या थी उन्हें बताने की कि आपके कंधे में दर्द है? सर वो दीवान जी, दीवान जी प्रतियोगी को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बताते, ताकत बढ़ जाती है उनकी। ऊपर से औरतें हर फील्ड में झंडे गाड़ रही हैं, आज तक कोई जीत पाया उनसे जो आप जीतेंगे? अब क्या चाहते हैं कि हमारा भी पैकअप हो जाए यहाँ से? देखिए दीवान जी हमें हर कदम ना फूक फूक कर रखना होगा, वरना थोड़ी सी चूक हुई ना तो समझो गया ये थाना हमारे हाथ से फिर। समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इस थाने को अपने जबड़े में ऐसा फंसाया है कि प्रलय आए तो आए पर ये जबड़ा नहीं खुलेगा। सर एक बात बताइए, सर आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं? मतलब सर इतने साल से आपके साथ हूं, इतना तो आपको जानता ही हूं, जब आप स्माइल करते हैं बहुत ज्यादा या बेवजह मुस्कुराते हैं तब आपकी लगी पड़ी होती है। सर मेरा मतलब है आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही होती है, जैसे इस वक्त चल रही है आपकी बहन योगिता जी के बारे में। वो आज शाम को आपको मिलने आ रही है ना सर, उसी को लेकर आप टेंशन में है ना? आपको पता है? सर पहला फोन तो उन्होंने मुझे किया था, वो आपका फोन ट्राई कर रही थी लेकिन फोन लग नहीं रहा था, तो सोचा कि साथ में है तो बात हो जाएगी। लेकिन सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं शाम को गेस्ट रूम खुलवा दूंगा, आप अच्छे से अपनी बहन को मिल लीजिएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी। क्या बात है दीवान जी, एकदम कंचा आदमी आप, मतलब पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी मेरी, ट्रबल शूट। अगर आप नहीं होते ना तो क्या होता हमारे विद्रोही का? इसी बात पे ना दीवान जी कुछ ही दे दीजिए हमें, बड़ा ही प्यार आ रहा है। अरे अरे चलिए अब बताइए कौन से केस की बात कर रहे थे आप? ये वाली देखिए, बहुत कॉन्फिडेंट है ये अमर विद्रोही, लेकिन तजुर्बा कहता है हमारा दो ही तरीके के लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या तो बहुत डरा हुआ आदमी या बेवकूफ आदमी। क्या लगता है आपको ये कौन है? बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं है मैडम सर, ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। और दूसरी बात, आपको लगता है ऐसा आदमी किसी से डरता होगा? बिल्लू जी यहाँ पे खड़े खड़े कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कोई बहाने से अंदर जाओ और बातें सुनो ना उनकी। क्या बहाना करो, जान जान अरे गोभी का डंठल, पूरा जिंदगी हम लोग के छाते पर मुंह दलने के लिए पैदा हुआ है क्या तुम? थाना कर्ज अदा करने का समय है, जाओ जाओ। क्या हर बार कर्ज? अरे उसको भेजो ना जिसके कान तेज है ऐसे मामले में। उसको? माँ को। अरे तुम्हारी माँ की हालत खराब है, जब से वो मिशन काला कबूतर के बारे में सुनी है ना, उनका खुद का पर्सनल कबूतर उड़ा हुआ है सब, पता नहीं कहाँ है बौखल। तुम जाओ, तुम जाओ। नहीं 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 नहीं, ये थाना मेरा परिवार है, ये मेरे बिल्लू निवास है, मुझे मत निकलो, मत निकलो साहब, मुझे मत निकलो, ये होगा पाप, आपको गरीब पे लगेगा श्राप, आप भी तो किसी के होंगे बाप। हे राइम हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन कनेक्शन कुछ नहीं है, फ्लो फ्लो में निकल गया। मुझे माफ कर दो, मुझे ये थाने से मत निकालो, ये बिल्डिंग निवास मेरा है। निकालो, एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? अरे वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये जो चीज है। What cheese? I'm Billy the Spy. ये जो बिल्लू नाम की चीज है, इस आदमी के खिलाफ ना तो कोई केस दर्ज है ना तो कोई FIR है, फिर भी आदमी जाने कब से इस लॉकअप पे अपना कब्जा जमाए बैठा। सर 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 जाने दीजिए ना, बच्चा है ये बुड्ढा। मतलब हमारे बच्चे जैसा है, परिवार का सदस्य ही समझिए। ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर अमर, ये सिर्फ अमर कहिए ना, अब जब तक है एक ही थाने में है, हमारा एम भी सेम है, हमारी उम्र भी सेम है और रैंक भी सेम है, आपको भी ये थाना हासिल करना है और हम भी ये थाना हासिल करना चाहते हैं, तो फॉर्मेलिटी मत कीजिए ना हसीना जी, प्लीज कॉल मी अम्मा, आई इंसिस्ट।
कहते ना, दुश्मनी लाख सही, खत्म ना कीजिए रिश्ते। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। सर 5 बजने वाले हैं। हाँ तो इट्स फाइनल, चलिए निकालिए ना। चलो। एक मिनट, आप इन्हें, आप अदद कैदी नहीं, इन्हें अनऑफिशियली हमारा स्टाफ मेंबर समझिए। जाइन सर। देखिए मैडम, अनऑफिशियल तो कुछ नहीं चलेगा। सॉरी ब्रदर, वो क्या है ना, रूल्स तो सबके लिए सेम होते हैं और हीरो के कैरेक्टर में कभी कभी विलन वाला काम भी करना पड़ जाता है। प्लीज गेट आउट। नहीं नहीं, एक मिनट, बात अगर यहाँ पर कानून की है तो फिर ऑफिशियली करिश्मा सिंह को हम दोनों के अंडर नियुक्त किया गया है, तो फिर कल जब हमें केस में इनकी जरूरत थी तो आपने इन्हें रिलीज क्यों नहीं किया? ये भी तो गैर कानूनी हुआ ना सर। 5 बचने वाले हैं। हाँ तो आपकी हेड कांस्टेबल भी तो FIR लिखने की जिक्र करके बैठ गई थी ताकि दीवान जी FIR ना लिख पाए। आप मुझे बताएंगे ये कौन सी कानून की कैटेगरी में है? ओके, ठीक है, इस तरह से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हमें मिलकर किसी सोल्यूशन पर आना होगा, किसी कॉमन ग्राउंड पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो कॉमन ग्राउंड ऐसे किसी इंसान का हो सकता है जो न्यूट्रल हो, और यहाँ पर न्यूट्रल है करिश्मा सिंह। तो तय रहा, थाने में आने वाली हर एक FIR सिर्फ करिश्मा सिंह रजिस्टर करेंगे, ये आपको मंजूर है? सर बज गए 5। चलेगा चलेगा, अभी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। हाँ सर। पुष्पा जी तो डर के अब भाग गई हैं ऊपर, अब वो 1 घंटे से पहले नहीं उतरेंगी। खैर मैडम से वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि देवरानी जेठानी के केस का क्या हुआ आपका? वो मामला सुलटा कि नहीं सुलटा? हमने उन दोनों को शाम को थाने बुलाया है। हमारा प्लान ये है कि हम उन दोनों को एक साथ एक कमरे में अकेला छोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि उनके मिजाज का ऊंट किस करवट बैठता है। एक साथ एक कमरे में बंद करके क्या होगा मैडम से? हम समझाते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि बड़े से बड़े दुश्मनों को भी अगर एक साथ एक कमरे में छोड़ दिया जाए तो इवेंचुअली उनमें दोस्ती हो ही जाती है। फिर ये तो 2 औरतें हैं, कितना ही वक्त लग जाएगा, और अगर दोस्ती नहीं भी हुई तो कम से कम सच तो पता चल जाएगा हमें। सच मतलब? हम समझाते हैं। इन दोनों का दरअसल ये कहना है कि झगड़ा हमेशा सामने वाली पार्टी शुरू करती है। ये देखिए, ये कमरा है, इसमें हम इन दोनों को बैठाएंगे और इसमें हमने लगाया है CCTV कैमरा। ठीक है, अब इससे होगा ये कि हमें पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है जी। अगर उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है और झगड़ा दरअसल शुरू कौन करता है। फिर देखेंगे कि किस तरह से काउंसलिंग करनी है। जी मैडम सर। जी कहिए। SHO का केबिन कहाँ है? हमारे SHO का केबिन यहाँ पर है। एनीवेज साइलेंस। मुझे इस थाने के SHO से मिलना है। हम ही हैं SHO हसीना मलिक, कहिए। आप यहाँ की SHO हैं? हाँ। ये थाना जनपद लखनऊ ही है ना, लाल चौक नवाब फखरुद्दीन की हवेली वाला? हाँ हाँ, आपको किससे मिलना है? मुझे इससे मिलना है। छोटू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये मैडम कह रही है कि ये यहाँ की SHO है। अगर ये इस थाने की SHO है तो फिर तुम क्या हो छोटू? क्या बिग बॉस आते ही डायरेक्ट अटैक? आप चलिए ना मैम। वेट अ सेकंड छोटू, मुझे अभी जानना है और यही जानना है, और तुम मुझे बताओगे ये सब चल क्या रहा है? इस थाने का SHO कौन है, ये या तुम? ये भी हैं और हम भी हैं। What? मेरे रिसर्च सेंटर में there's only one head scientist and that's me. What is this all going on? देखिए, मतलब ये है कि सरकार ने इस थाने में हम दोनों को SHO नियुक्त किया है, अमर विद्रोही और हसीना मलिक। Honestly, अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत कम आंखों में इतनी गहराई होती है। I like her. Thank you, thank you.
आई मीन इनकी तरफ से थैंक यू। अब दीदी चलिए ना, मैं आपको सब समझाता हूँ। जस्ट टेल मी ये। अब आइए ना मेरे साथ, मैं एक चीज बताता हूँ। बहुत बस टेल मी वन थिंग। ही जस्ट आराम से कौन भाई बहन आ गया है? मेरा मैसेज पढ़ा था? क्या टाइम मेंशन किया था मैंने? शार्प 5:00 मेरी फ्लाइट लैंड कर जाएगी। लेकिन नहीं, भाई साहब का एयरपोर्ट पे कुछ आता पता ही नहीं और मुझे यहाँ पर आना पड़ा खुद धक्के खाते हुए। आई मीन कभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। अमर तुम बड़े हो गए यार, कुछ तो सुधरो। दीदी क्या कर रही है? ये मेरा वर्क प्लेस है दीदी, थोड़ा आराम से बोलिए। नहीं नहीं वो सब छोड़, मुझे एक बात बता, ये बाहर क्या ड्रामा चल रहा था? आई मीन एक थाने के दो दो SHO, मतलब यहाँ भी लड़कियाँ तुमसे आगे हैं, तुम पर भारी हैं। और तेरी ये जो SHO है ना, क्या नाम बताया तुमने उसका? हसीना मलिक। राइट, हसीन तो वो है ही और गॉर्जियस पर्सनालिटी की मालिक भी। मैं सीमा को अभी बताती हूँ। अरे किटी दी, सीमा को क्यों बता रही हो? उसे बताने से क्या होगा? हाँ पापा। पहुँच गई बेटा? हाँ पहुँच गई, मैं यहीं पर हूँ। छोटू खड़ा है मेरे सामने। एयरपोर्ट आया लेने? आपको क्या लगता है पापा, आया होगा? ये आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, इर्रिस्पॉन्सिबल। मैं खुद आई यहाँ पर। मतलब कल भी स्टूपिड था और आज भी स्टूपिड ही है? हाँ पापा, बल्कि स्टूपिड ही नहीं, एक नंबर का डफर भी है। इसे कोई अक्कल वक्कल नहीं है, आज भी वैसे का वैसा ही है। और क्या क्या बोलते थे आप इसे, क्या वर्ड यूज करते थे आप? बैल बुद्धि। हाँ बैल बुद्धि, आज भी ये बैल बुद्धि ही है, कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर। हाँ ठीक है, बाय। बैग खोल। उठा खोल बैग। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, तेरी फेवरेट मिठाई बालूशाही। हैव इट। क्या हुआ छोटू? बचपन से तेरा यही प्रॉब्लम है, जब भी औरतों को कन्फ्रंट करने का टाइम आता है ना, पता नहीं तुझे क्या हो जाता है। इसीलिए आज तक तू मुझसे और सीमा से कभी आगे नहीं निकल पाया। लेकिन मेरे भाई यहाँ तो कुछ करके दिखा। तेरी ये जो SHO है ना, हसीना मलिक, बहुत कॉन्फिडेंट लगती है मुझे। उसकी आंखों में ठहराव से पता चलता है कि किसी भी मुश्किल की घड़ी में ना इजिली गिव अप करने वाली लड़कियों में से नहीं है वो। और मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि तू ही इस थाने का अकेला SHO बने, इन औरतों पर तू भारी पड़े। अब तू ऐसा कुछ कर ताकि मुझे और सीमा को और पापा को ऐसा लगे कि तू भी कुछ कर सकता है। ये क्या है? ये देखकर कौन कहेगा कि जो इंसान इतना कॉन्फिडेंट है वो अपने घर वालों के सामने ऐसा डर, इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है? मतलब सारी हवाबाजी, सारी एकड़ी सब निकल गई। माफ कीजिएगा मैडम सर, कहते हुए बुरा लग रहा है पर जिस इंसान से हम इतना इंप्रेस हो गए थे वो अपनी बहन और पिताजी के सामने कितना बड़ा डरपोक है। पर कमाल का बात हुआ ना मैडम सर, आपने कैमरा लगाया था देवरानी जेठानी के सच के बारे में पता लगा, यहाँ तो अमर सर का सच सामने आ गया है। मैडम सर हम क्या कहते हैं ना, हम ये वायरल कर देते हैं और सबको बता देते हैं कि यहाँ लखनऊ में जो नए SHO आए हैं अमर विद्रोही जी महाबली सर, वो अपने घर में कितने बड़े चूरन कहलाते हैं, सबको पता होना चाहिए मैडम सर। नहीं 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 करिश्मा सिंह, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी प्लीज। करिश्मा सिंह देखिए, ये उनकी बहुत ही पर्सनल बात है, घरेलू बात है, और कमजोरी किस में नहीं होती, सीक्रेट्स किसके नहीं होते, आपकी भी है मेरे भी है। अब इस तरह से उनकी इतनी प्राइवेट बात को दुनिया के सामने लाना ये तो अच्छा नहीं है ना, वी हैव टू रिस्पेक्ट हिज प्राइवेसी। जी मैडम। नेटवर्क नहीं है लगता है। हेलो, अरे भाई साहब, अरे यार नेटवर्क खराब है क्या? हेलो पुष्पा जी, हेलो क्या कर रही हैं आप? काम। आपके होते हुए थाने में कोई और ताका जाके कैसे कर सकता है? अरे कंपटीटर, साक्षात कंपटीटर आ गया है आपका ही थाने में। वो हमारी कमर में चनक आ गई है ना, बहुत दर्द कर रही है। जीते मैडम से, करिश्मा मैडम को कोनी मार के ठीक किया था ना? हाँ वो मैंने देख के सीख लिया था, मैं करूँ कुछ? मारिए मारिए मारिए, बेफिक्र होकर मारिए। क्या खुसर चल रही है? अरे नहीं डंडा का पता नहीं, सीधा ही नहीं हो पा रहा, कोई बटन उटन है दबाइए ना आप थोड़ा सा। अच्छा आपको पता होगा ना डंडा पे चलती हुई? दिखाओ दिखाओ। देखिए मारिए मारिए साथ, तुझे मारिए। ठीक हुआ ठीक हुआ ठीक हुआ।
नहीं हुआ फिर से मार। मारो, मारो, मारो। हो गया, अरे थोड़ा समय तो दो इसको ठीक होने के लिए। बैठिए 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 बैठिए। हो गया हो गया हो गया, जाओ जाओ जाओ। पुष्पा जी लग नहीं रहा है। हो गया हो गया। कौन ताका झाकी कर रहे हैं? यही यही दीवान चा पुष्पा पार्ट टू बने हुए हैं। देखिए 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 कैसे नेटवर्क ढूंढने के बहाने से करिश्मा मैडम हसीना मैडम का बात सुन रहा है वहां पर जाकर। हूं हाँ हेलो। हाँ वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कौन है आप लोग, ऐसे कहाँ घुसे जा रही हैं? ये वही देवरानी जेठानी है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। ये है क्या बात कर रही है मैडम सर? आप तो कह रही थी ये बहुत बड़ी दुश्मन है और इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये तो पैदा ही बेस्ट फ्रेंड्स हुई हैं। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है मैडम, उस टाइम साथ बिताया तो महसूस हुआ इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। और मैडम अब हमने अपने सारे लड़ाई झगड़े भुलाकर एक दूसरे से मेल कर लिया है, अब हम कभी भी एक दूसरे का सर नहीं फोड़ेंगे, बल्कि ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। गुड लक। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। चलते हैं हम। नहीं अम्मी, हमें नहीं याद आ रहा कि हमने ईयरफोन्स कहाँ रखे। आप एक बार घर पे चेक कीजिए ना, हम यहाँ चेक कर रहे हैं, हो सकता है जिम करके हमने यहीं रख दिए हो। हाँ नहीं, लेकिन फिलहाल तो नहीं मिल रहे। एक बार आप घर पे चेक कीजिए, हमारे रूम में चेक कीजिए, हो सकता है कहीं मिल जाए। हाँ ठीक है, चेक करके फोन करिए हमें। सीना जी आप यहाँ? हाँ अम्मी, वो नहीं मिले हमें ईयरफोन्स, हमने ढूंढ लिया, आप घर पे देखिए, घर पे मिल जाएंगे। सीना जी वो मेरा है। नहीं नहीं ये हमारा फोन है, आपका फोन ये रहा। नहीं नहीं आपके फोन पे कॉल मेरा है। वो हमारी अम्मी हमेशा अम्मी ही फोन करती है ना हमें, इसलिए हमें लगा कि अम्मी का ही फोन होगा, इसलिए बिना देखे उठा लिया। आपने किस लिए फोन किया था? जी मुझे आपको बताना था कि कल 10 में से ना 3 जीप मुझे चाहिए रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना शेड्यूल सेट कीजिएगा प्लीज। अच्छा सिर्फ 12 से 3? ओके नो प्रॉब्लम, हो जाएगा मैनेज। जैन सर। जैन दीवान जी बताइए। सर आज शहर का चक्कर लगाने का मौका मिला तो पता लगा कि ये मैडम हसीना मलिक जी और एसआई मैडम करिश्मा सिंह जी, उनका तो तगड़ा बोलबाला है शहर में। सर लोग बहुत मानते हैं उन्हें, लोगों को लगता है कि उन दोनों के पास एक जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर वो कोई भी केस को सॉल्व कर सकती है। सर देखिए ना, आप तो उलझे रहे उस बॉम्ब की अफवाह के फर्जी मामले में, और यहाँ हसीना मैडम ने देवरानी जेठानी का केस निपटा दिया और एक केस अपने नाम पर कर लिया।
अगर ऐसा ही चला ना तो ये थाना हमारे हाथ से चला जाएगा और जिंदगी भर ये बोझ ढोते रहेंगे कि हारे तो भी किससे, एक औरत से। सर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। दीवान जी, औरतों से आज तक वैसे जीत ही कौन पाया है? ये तो हमेशा से हम मर्दों की खुशफहमी रही है कि हम जीत जाते, लेकिन असल में तो वही जीतती है। हम मर्दों को बहुत देर बाद पता चलता है कि उनकी जीत हो चुकी है, और जब हमें ये पता चलता है तो हमें ये भी पता चल जाता है कि बेटा आपकी तो बहुत पहले की लग चुकी है। इसलिए दीवान जी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी लड़ाई नारी शक्ति की उस प्रजाति के साथ है जिनकी डिक्शनरी में हार नाम का शब्द ही नहीं है। और अगर आपको ये लड़ाई जीतनी है तो बहुत ही पेशेंस के साथ खेलना होगा। शांत रहिए, हर कदम फूंक फूंक कर रखिए और अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए, क्योंकि बारी तो सबकी आती है दीवान जी।